दोस्तों हमें सीखना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। मैं आ चुका हूँ डेस्कटॉप के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारे कंप्यूटर में हम शुरू कैसे करेंगे। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। बेसिकली अगर आपको आता है शुरू करना तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए मैं बता दूँ कि भाई यहाँ पे टास्क बार पे नीचे सर्च का एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप एक्सेल टाइप कीजिए। जैसे मैंने एक्सेल टाइप किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेल ऊपर आ चुका है। अब ये मेरे केस में यहाँ पे बीच में आ रहा है क्योंकि ये विंडोज 11 है जो सर्च बॉक्स है, यहाँ पे सेंटर में आ रहा है टास्क बार के। ये लेफ्ट में भी आ सकता है, विंडोज 10 है, विंडोज 7 है, तो यहाँ पे लेफ्ट में आ जाएगा। तो वहाँ पे आप एक्सेल बस उस बॉक्स में लिखेंगे तो ऊपर एक्सेल ऐप ये दिखाई दे रहा है, लिख के आ रहा है। अब मेरे केस में एक्सेल ऐप लिख के आ रहा है। अगर आपका एक्सेल पुराना है 2013 का तो वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिख के आता है और आगे वर्जन भी लिखा रहता है, पुराना वर्जन है तो 2010 है या 7 है तो, राइट। और लेटेस्ट वर्जन है आपके पास 2019, 2021, जैसे मेरे पास 2021 है, तो यहाँ पे ये इस तरह से लिख के आ रहा है। अब आप बोलोगे यार सर तो आप नए वर्जन में पढ़ा रहे हो, हमारे पास तो पुराना वर्जन है, क्या हम ये सारी चीज़ें पुराने वर्जन में कर सकते हैं? आप कोर्स कर सकते हैं। हाँ, कुछ नई चीज़ें नए वर्जन में आपको एक्स्ट्रा मिलेगी जो मैं आपको बताऊंगा कि भाई इसके लिए नया वर्जन रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, कुछ नए फॉर्मूलाज वगैरह। बट डोंट वरी, जो मैं चीज़ें बताऊंगा इंटरफेस वैसे ही है जैसे पुराने 2007 में था, 2010 में था, थोड़ा बहुत चेंज हो गया, थोड़े बहुत मेनूज ऑप्शन इधर उधर हो चुके हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये इस वर्जन में नहीं मिलेगा, इस वर्जन में मिलेगा तो आप अपग्रेड कर लीजिए, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। बट डोंट वरी कि भाई मैं कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा, आप कौन सा वर्जन यूज़ करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक्सेल सीख सकते हो, आपके पास जो भी है लैपटॉप में उससे आप सीख सकते हो स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे एक्सेल दिखाई दे रहा है, मैं क्लिक करूँगा तो ये स्टार्ट होगा। दूसरा तरीका ऐसा है, मैं यहाँ से नहीं स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं कीबोर्ड पे प्रेस करूँगा विंडोज़ और आर। जैसे ही मैंने विंडोज़ की और आर ये बटन दबा दिया होल्ड करके विंडोज़ की को, तो यहाँ पे रन कमांड आता है और रन कमांड ये जो डायलॉग बॉक्स है उसके अंदर ओपन के आगे अगर एक्सेल लिखा है और मैं एंटर करूँगा तो एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप एक्सेल लिखिए, अगर दूसरा कोई सॉफ्टवेयर तो यहाँ पे एक्सेल टाइप कीजिए, ओके कीजिए। अब आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपके सामने शुरू है। ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वेलकम स्क्रीन। इसमें सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रो करा देता हूँ, फिर उसके बाद जो एक्सेल की स्क्रीन आएगी उसका भी इंट्रो कराऊंगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको बताया कि भाई आप ब्लैंक से स्टार्ट करना चाहते हैं, आपका डेटा एंटर करना है आपको खुद से, तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए। अगर आपको प्रीसेट्स लेने हैं जैसे लोन कैलकुलेटर है या कुछ चीज़ें इन्होंने ऑलरेडी दी है, यहाँ से आप उठा सकते हैं, लेकिन हमें हमारी कंपनी के डेटा पे काम करना है तो हम ब्लैंक वर्कबुक से स्टार्ट करेंगे, हमें सीखना है बेसिकली, तो हम ये टैंपलेट नहीं लेंगे। यहाँ पे ढेर सारे टैंपलेट और भी आपको मिलेंगे। उसके अलावा उसी के नीचे आपको यहाँ पे रिसेंट एक टैब दिखाई दे रहा है, जैसे आप मोबाइल फ़ोन में रहता है ना रिसेंट कॉल्स वगैरह, आए हुए कॉल्स, गए हुए कॉल्स, वैसे रिसेंट ओपन की हुई फाइल्स की लिस्ट यहाँ पे आपको दिखाई देगी। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्या, पिन। अगर मैं कोई फाइल पिन करता हूँ, जैसे मैंने एक प्रैक्टिस फाइल पिन करके रखी है, तो यहाँ पे पिन वाली फाइल्स दिखाई देगी, कैसे पिन करना है आगे चलकर हम सीखेंगे। बट यहाँ पे रिसेंट और यहाँ पे पिन, मतलब रेगुलर मुझे कोई फाइल यूज़ करें तो मैं पिन कर सकता हूँ। पिन करना सिंपल है, जैसे ये फाइल मुझे रेगुलर यूज़ करे तो इसके आगे आकर मैं पिन करूँगा तो ये पिन में चला जाएगा, जो मुझे इजीली एक्सेस हो जाएगा रेगुलर अगर मुझे उस पर काम करना है तो, राइट। सो दिस इज़ अबाउट वेलकम स्क्रीन। यहाँ पे और है चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे न्यू फाइल आपको लेना है तो यहाँ से आप ले सकते हैं, ओपन करना एग्जिस्टिंग फाइल एक्सेल की तो यहाँ से आप कर सकते हैं, और कुछ ऑप्शंस वगैरह सेटिंग्स भी है। तो ये पूरा वेलकम स्क्रीन है, लेकिन सबसे पहले जाना कहाँ पे है, जाना है ब्लैंक वर्कबुक पे। एक्सेल के बारे में ज़्यादा समझना है तो पहले एक्सेल की स्क्रीन आपके सामने आनी चाहिए। वेलकम स्क्रीन को कर दो साइड में, ले आओ ब्लैंक वर्कबुक। ये है आपका वर्कबुक। देखिए एक्सेल के अंदर जो फाइल बनती है उसे वर्कबुक फाइल बोला जाता है। यहाँ पे टाइटल बार में ही आपको दिखाई दे रहा है कि भाई इसका नाम बुक वन है, यानी कि ये वर्कबुक है। तो यहाँ पे टाइटल बार है, इसे टाइटल बार कहते हैं, जहाँ पे फाइल का नाम डिस्प्ले होता है। जैसे मैं इस फाइल को सेव करूँगा तो यहाँ पे नाम दिखाई देगा, तो आपकी कौन सी फाइल ओपन है ये यहाँ पे पता चलेगा टाइटल बार से, याद रखिए।
दिस इज कॉल्ड टाइटल बार। यहाँ से शुरुआत करते हैं। टाइटल बार में लेफ्ट साइड में आपको क्विक एक्सेस टूल बार मिलता है। इस इंटरफेस को समझ रहे, देखिए टाइटल बार में लेफ्ट साइड में जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है छोटा सा ऑप्शन, जैसे माउस पॉइंटर इसके ऊपर रखता हूँ तो वो बता रहे कि भाई ये सेव है, ये अनडू है, ये रीडू है। ओके, फिलहाल कांट अनडू कांट रीडू बोल रहा है क्योंकि अभी कुछ अनडू रीडू करने के लिए है नहीं, आगे चलकर मैं समझाऊंगा अनडू रीडू, डोंट वरी। यहाँ पे फॉर्म है, यहाँ पे फिल्टर है, यहाँ पे कैसे ऑप्शन ऐड करते हैं ये भी हम देखेंगे। ये क्विक एक्सेस टूल बार, फिलहाल क्विक एक्सेस टूल बार, ये टाइटल बार है पूरा पूरा, जिसमें क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ पे लेफ्ट में, और राइट में आपको यहाँ पे मिनिमाइज, मतलब एक्सेल को आपको मिनिमाइज करना है। यहाँ से आप कर सकते हैं, मिनिमाइज हो गया भाई। फिर से मुझे ओपन करना है, मैं टास्क बार पे यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये देखिए नीचे ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। यहाँ पे छोटी स्क्रीन बनानी एक्सेल की, रिस्टोर डाउन, ये छोटी हो गई, रिस्टोर डाउन राइट, यहाँ पे रिस्टोर डाउन है, यहाँ पे क्लिक करके फिर से अभी मैक्सिमाइज, उसी पे क्लिक करेंगे तो मैक्सिमाइज हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पे कॉर्नर पे माउस पॉइंटर लेके आओ, जैसे लेके आओगे एरो दिखाई देगा, अब माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखो और खींचो नीचे की तरफ और छोटी हो जाएगी। ओके, जितनी विंडो छोटी करनी है आप यहाँ पे माउस पॉइंटर लेके आना है, एरो आ जाता है, याद रखिए एरो आने तक रुकना है आपको, रुकना है रुकना है रुकना है, और एरो आ गए, जैसे एरो आ गया माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखना है, क्लिक एंड ड्रैग करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं मैक्सिमाइज करता हूँ, देखिए मैक्सिमाइज यहाँ पे हो चुका है। देखिए बहुत बेसिक सी बातें मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर आप है ना न्यू हो एक्सेल के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं तो। अब यहाँ पे सबसे पहले उसके नीचे क्या आता है, जो टाइटल बार है उसी के नीचे आपको फाइल मिल रहा है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, ये सब टैब है, दीज आर द टैब। देखिए यहाँ पे होम से लेकर नॉर्मली व्यू तक ही टैब रहते हैं। मैंने यहाँ पे खुद से ये चेंज केस वगैरह ऐड किया है, लाइट पीडीएफ ऐड किया है, या डेवलपर टैब मैंने ऐड किया, डेवलपर टैब रहता है, उससे हाइड एंड ऐड कर सकते हैं आप। तो जनरली अगर आपके एक्सेल में यहाँ पे डेवलपर नहीं दिख रहा है तो डोंट वरी, डेवलपर शो कर सकते हैं आप, राइट क्लिक करके यहाँ पे कस्टमाइज रिबन ऑप्शन रहता है, या ये चेंज केस मैंने खुद से बनाया, ये तो नहीं मिलेगा आपको। तो ये कैसे खुद से बनाया जाता है इसकी आइडिया मैं दे दूंगा, बट ये जो होता है ना टैब इसे कहते हैं, बेसिकली होम से लेकर व्यू तक ही आपके एक्सेल में रहेंगे, याद रखना है। और ये जनरली टैब होते हैं, और टैब के अंदर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा का पूरा, ये मैं माउस घुमा रहा हूँ, जरा मैं फोकस कर लेता हूँ, मैं पेन लेके आता हूँ, ये पेन लेके आऊँगा तो पता चलेगा, ये है रिबन, ये होम टैब की रिबन है, मतलब होम टैब के ये ऑप्शंस दिखाई दे रहे, ये पूरा का पूरा जो दिखाई दे रहा है कलेक्शन ऑफ क्लिपबोर्ड है, ये जो पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है कलेक्शन ऑफ फॉन्ट है, ये पूरा दिख रहा है अलाइनमेंट है, ये अलाइनमेंट ग्रुप है, तो इन्हें ग्रुप कहा जाता है, याद रखिए। मैं आपको बोलूँगा कि भाई कॉपी ऑप्शन क्लिपबोर्ड ग्रुप में से सिलेक्ट करो जो कि होम टैब में है, तो आप होम टैब में पहले क्लिक करोगे आपको दिखाई देगा क्लिपबोर्ड ग्रुप और ये कॉपी ऑप्शन राइट। इस तरह से मैंने आपको बोला कि फॉन्ट ग्रुप में जाके बोल्ड करो तो ये फॉन्ट ग्रुप है और यहाँ पे बोल्ड ऑप्शन, तो ये ग्रुप है, कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ ऑप्शंस को मिला के एक जो बनता है वो ग्रुप, यहाँ पे आपको ग्रुप का नाम दिख रहा है। अलाइनमेंट में अलाइनमेंट होता है, नंबर, स्टाइल्स, फॉर्मेटिंग, ये मैंने ऐड किया स्पेशल फॉर्मेटिंग। ओके, और सेल्स, एडिटिंग, ये इतना ही रहता है बेसिकली, ये मैंने मैक्रो के जरिए ऐड किया। तो ये बेसिकली रिबन है और उसके ये ऑप्शन है अलग अलग, ये जानेंगे हम। उसके बाद इंसर्ट टैब पे क्लिक करते इंसर्ट टैब के ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, पेज लेआउट टैब के यहाँ पे ग्रुप और ऑप्शंस दिखाई देंगे, पेज सेटअप वगैरह, फॉर्मूलाज है, डेटा है, रिव्यू है, दीज आर द टैब राइट। याद रखो इसे टैब बोलते हैं, ये रिबन है, ग्रुप किसे बोलते हैं मैंने आपको बताया, अलाइनमेंट ग्रुप है और उसके अंदर इतने सारे ऑप्शन है। ओके, डोंट वरी, ज़्यादा ऑप्शन है यहाँ पे बहुत सारे, लेकिन सारी चीज़ें बहुत आसान है मैं आपको बताता हूँ, यकीन कीजिएगा। अब यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पे ये है इम्पोर्टेंट बॉक्स, दैट इज कॉल्ड नेम बॉक्स। इसका क्या काम होता है मैं आपको बताऊंगा, नाम याद रखो इसका नेम बॉक्स है। और इसी के राइट साइड में, नेम बॉक्स के राइट साइड में आओगे, यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला बार, जैसे माउस रखता हूँ नाम भी आ रहा है, फॉर्मूला बार याद रखना है,
फॉर्मूला बार, ये है दोस्तों फॉर्मूला बार पूरा पूरा यहाँ पे। तो यहाँ पे जब भी आप फॉर्मूला टाइप करोगे तो फॉर्मूला डिस्प्ले होगा, कैसे हम देखेंगे। उसके नीचे आते हैं, देखिए अभी उसके नीचे यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ इसे दिखाने के लिए। अब मैंने जूम कैसे किया, देखिए माउस का जो स्क्रोल बार होता है ना वो आगे की तरफ आप घुमाएंगे कंट्रोल बटन प्रेस करके। सुनिए क्या बोल रहा हूँ मैं, कीबोर्ड पे कंट्रोल बटन प्रेस करके रखिए और माउस आगे की तरफ घुमाएंगे, आपका ये जो शीट के अंदर रोज और कॉलम्स दिख रहे हैं ना ये जूम होंगे। और कंट्रोल बटन होल्ड करके रखिए, प्रेस करके रखिए और माउस अपनी तरफ घुमाएंगे तो ये छोटा होगा जूम आउट, ये जूम इन, आगे घुमाएंगे माउस पॉइंटर स्क्रोल बार, बेसिकली स्क्रोल बार आगे घुमाएंगे जूम इन, पीछे घुमाएंगे अपनी तरफ तो ये जूम आउट होगा कंट्रोल बटन प्रेस करके। और अब आपको दिखाई दे रहा है ए बी सी डी ई, ये है यहाँ पे कॉलम्स, वर्टिकल लाइंस जो दिखाई दे रही है एक्सेल के अंदर इन्हें कॉलम्स कहते हैं। और जो हॉरिजेंटल लाइंस दिखाई दे रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 19, ये है रोज, जो मैं आपको यहाँ पे क्लिक करूँगा तो सिलेक्ट भी हो रहा है, दिखाई दे रहा है ना ये सिलेक्ट हो रहा है। तो ये रोज कहा जाता है इन्हें, हॉरिजेंटल लाइन रोज और वर्टिकल लाइंस को बोला जाता है कॉलम्स, राइट, याद रखना इन्हें। सो अब यहाँ पे कॉलम्स में अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे ए बी सी डी ऐसा है तो कहाँ तक जाएगा ए बी सी डी, कहाँ तक रहेगा आप बताओ, जेड तक रहेगा। लेट्स राइट साइड में मैं एरो प्रेस करता हूँ कीबोर्ड का, राइट 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 राइट, तो यहाँ पे जेड तक नहीं, ए ए है, ए बी है, ए सी है, ए डी है, समझे, ए डी आई मीन ए डी कॉलम का नाम है, राइट, इस तरह से। तो अगर आप देखोगे तो ए जेड आएगा, ए जेड के बाद फिर से यहाँ पे आप देखोगे बी से स्टार्ट हो रहा है, बी ए है, बी बी भी है, किसके पास नहीं है तो यहाँ पे है, ओके, यहाँ पे बी डी भी है, चला लो भाई, ओके, बी एफ भी है, राइट, बहुत सारे बी जी भी है, एंड फिर से बी जेड आएगा। तो ऐसे कितने जाएंगे, राइट कीबोर्ड का बटन दबाते जाओगे तो और आते रहेंगे, तो लास्ट पे जाना है ऐसा, एक एक इतने सारे कॉलम्स, कितने कॉलम्स है, फिर लास्ट में जाना है, लास्ट कॉलम पे कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल बटन दबाओ और राइट एरो कीबोर्ड का दबा दो, जो एरोज है ना एरो कीज, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, तो कंट्रोल और राइट एरो दबाते ही लास्ट कॉलम पे हम पहुंच जाएंगे XFD और ये 16384। आप बोलोगे कैसे बताया सर, ये मुझे पहले से पता था, लेकिन अगर आप इसे काउंट भी करोगे तो ये 16384 ही है, टोटल कॉलम है 16384। अब आपका कहना होगा कि भाई 16000 राउंड फिगर क्यों नहीं रखा, 20000 रखना चाहिए या 16 या 15, लेकिन यहाँ पे ये एक्चुअली जो स्पेस अलोकेट होता है ना रैम के अंदर उसके हिसाब से ये आया है, बीट और बाइट, अगर आपको थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज है तो मैं बता दूं, तो उसके हिसाब से आया 16384 कॉलम से। कंट्रोल लेफ्ट एरो, कंट्रोल राइट एरो, कंट्रोल लेफ्ट राइट, याद रखिए कंट्रोल लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली आप फर्स्ट कॉलम पे जाओगे, कंट्रोल राइट एरो प्रेस करोगे, कंट्रोल बटन दबा के रखना है कीबोर्ड पे, तो आप लास्ट कॉलम पे आ जाओ। अब यहाँ पे कॉलम तो जान लिया, पहले रो पे हम लोग, अब मैं डाउन एरो कीबोर्ड पे प्रेस करूंगा तो आपको पता है आपको ये रोज नीचे स्क्रॉल होते जाएंगे, और कितने रोज रहेंगे, 16000 15000 20000 30000, कुछ आइडिया है, नहीं आइडिया तो आइडिया देने के लिए मैं हूं ना दोस्तों। यहाँ पे देखिए कंट्रोल डाउन एरो 10,48,576, कितने रोज है 10,48,576, इतने सारे रोज है, लेकिन इतने सारे रोज में हम रिकॉर्ड नहीं रख सकते एक्सेल में। अगर आप इतना सारा डेटा 10 लाख रिकॉर्ड रखोगे तो एक्सेल का डेटा जो है ना हेवी हो जाता, मतलब प्रोसेसिंग प्रॉब्लम होता है जब आप कोई फॉर्मूला देते हो 10 लाख डेटा पे, तो यहाँ पे 1.5 लाख, ठीक है 1.5 लाख भी बहुत ज़्यादा हो गया, बट ठीक है वी कैन एडजस्ट इट। और आपको यहाँ पे एक शीट में इतने रोज और इतने कॉलम मिल रहे। अब मेरे कहने का मतलब क्या है मैं बताता हूँ, कंट्रोल अप एरो प्रेस करता हूँ तो डायरेक्टली आप फर्स्ट सेल पे आ चुके हो। अभी ये जो बॉक्स है ना इसे सेल कहते हैं, बेसिकली क्या बोलते हैं इसे, सेल, याद रखना है इस बॉक्स को सेल कहते हैं, CELL, राइट, याद रखना है, ओके। तो ये जो बॉक्स है बेसिकली ये सेल, अभी जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये सी कॉलम और रो नंबर 4 C4, राइट, ये बॉक्स है। तो ऐसे आपको दिखाई दे रहा है ये A1 है, यहाँ पे A1 से शुरुआत हो चुकी है, कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करोगे तो ये है
A10,48,576। तो यहाँ पे आप देखोगे ऊपर जो आपको नेम बॉक्स दिख रहा है ना, वहाँ पे वो बताएगा कि भाई ये सेल जो जहाँ पे आपका सिलेक्शन है अभी वो है A10,48,576। तो उस सेल का नाम या एड्रेस, यूनिक एड्रेस बोल सकते हैं आप इसे, नाम नहीं एड्रेस ही बोल सकते हैं। तो एड्रेस यहाँ पे दिखाई देगा, कंट्रोल राइट एरो दबा दो तो ये देखिए XFD1 कॉलम का नाम पहले दिखाई देता है और उसके बाद रो, और कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करो तो लास्ट सेल कौन सा है अगर आपको किसी ने पूछा तो आप आसानी से बता सकते हैं यहाँ पे भाई XFD10,48,576। क्लियर है? तो इतने सारे रोज, इतने सारे कॉलम होते हैं, लेकिन इतने सारे कॉलम और रोज में डेटा टाइप नहीं करना है, हमें अलग अलग शीट में डेटा टाइप करना है। जैसे कि यहाँ पे शीट वन आपको दिखाई दे रहा है, नीचे नीचे देखिए मैंने पेन इसीलिए रखा है ताकि आपका ध्यान उधर आ जाए, यहाँ पे मैंने कर्सर रखा है। तो शीट वन, और ऐसे में यहाँ पे छोटा सा प्लस दिखाई दे रहा है ना, लेट मी फोकस ऑन इट, ये दिखाई दे रहा है प्लस, इस प्लस पे आपको क्लिक करना है अगर मैं और एक्स्ट्रा शीट से यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं इस प्लस पे क्लिक करता हूँ, शीट टू आ रहा है, अगेन मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ, शीट थ्री आ रहा है, शीट फोर आ रहा है, शीट फाइव आ रहा है, शीट सिक्स आ रहा है। आप यहाँ पे मल्टीपल शीट्स इंसर्ट कर सकते हैं। याद रखिए आप यहाँ पे ढेर सारे शीट्स, अनलिमिटेड शीट्स बेसिकली इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन इतनी हमें ज़रूरत नहीं है। अब ये शीट की क्यों ज़रूरत होती है, जैसे मैं जनवरी का रिकॉर्ड यहाँ पे रखना चाहता हूँ, मैं फरवरी मंथ का सेल्स या फरवरी मंथ का अटेंडेंस एम्प्लॉय को वो यहाँ पे रखना चाहता हूँ, जैन फेब, ऐसे सेपरेट सेपरेट हर एक शीट के अंदर मैं अलग अलग रिकॉर्ड ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैं शीट में जनवरी का रिकॉर्ड ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ऊपर रिकॉर्ड ऐड करूँगा, लेकिन नीचे शीट का नाम भी जनवरी होना चाहिए। तो इसे मैं राइट क्लिक करके, शीट के ऊपर राइट क्लिक कर दे, यहाँ पे देखिए क्या ऑप्शन आ रहा है, रीनेम। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके रीनेम करता हूँ और इसका नाम कैपिटल में लिख देता हूँ, जैन। तो यहाँ पे अपने जैन नाम दे दिया, आप जो चाहिए वो नाम यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे फेब नाम देना है तो फेब दे दो, यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा और नाम दे दूँगा। एक तो आप राइट क्लिक कर सकते हैं, शीट के ऊपर डबल क्लिक कर सकते हैं, आप इसे नाम दे सकते इस तरह से। और यहाँ पे अप्रैल, ये देखिए सुजैन फेब मार्च अप्रैल, इस तरह से मैंने यहाँ पे नाम दे दिए हैं। आप जो चाहिए वो राइट क्लिक करके भी यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यार चार ही महीने का चाहिए, तीन तो एक्स्ट्रा हो गई या फिर ये एक्स्ट्रा हो गई, तो राइट क्लिक करो इसके ऊपर एंड डिलीट द शीट। ओके, जैसे आप इस शीट को डिलीट करोगे डिलीट हो जाएगा। अगर शीट के अंदर कुछ भी डेटा नहीं है तो यहाँ पे कुछ पॉपअप नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने शीट में कुछ टाइप किया हो, एग्जांपल के लिए इस शीट में, और अब अगर आप इसे डिलीट करते हो तो ये एक पॉपअप भेजेगा आपको, बोलेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विल परमानेंटली डिलीट दिस शीट, डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू, येस आई वॉन्ट इट टू कंटिन्यू। परमानेंटली डिलीट मतलब क्या, ये हमेशा के लिए इसका डेटा डिलीट कर देगा, ये आप वापस डेटा को ले नहीं सकते इस शीट के अंदर जो डेटा, ये स्पेशली इस शीट के अंदर जो आपने ये लिखा है ना, ये पर्मानेंट डिलीट होगा, आप कंट्रोल जेड यहाँ पे नहीं कर सकते। कंट्रोल जेड पता रहेगा आपको, नहीं पता तो बता दूँ, अनडू होता है बेसिकली। आप एक्सेल में देखो, एक्सेल में आप कुछ काम करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ काम कर दिया, जैसे कुछ नंबर्स टाइप कर लिया एग्जाम्पल के लिए। अब देखिए ये नंबर्स मैंने टाइप किए और फिर मेरे से गलती से ये नंबर डिलीट हो गया, अब मैं इन्हें वापस चाहता था लेकिन गलती से डिलीट हो गया, मुझे याद नहीं, तो यहाँ पे आपकी गलती माफ होती है बेसिकली। कंट्रोल जेड अगर आप दबा दोगे तो आप पीछे आ जाओगे, कंट्रोल जेड एक स्टेप पीछे, और कंट्रोल जेड करोगे तो इसके पीछे हमने क्या किया था, और कंट्रोल जेड उसके पीछे मैंने ये नंबर है ना हटाया, ये देखिए एक एक नंबर हटता गया क्योंकि ये नंबर मैंने टाइप करते गया था, एक एक कंट्रोल जेड अंडू। अब मैं कंट्रोल वाई करता हूँ रीडू, कंट्रोल वाई वाई वाई, कंट्रोल जेड से होता है अंडू बैक बैक बैक, मतलब जो जो स्टेप्स आपने पहले किए थे वो सब पीछे चले जाएंगे, और रीडू वही उन्हीं स्टेप्स को रिपीट करेगा, जो अंडू किए हैं उसे रिडू कर सकते हैं आप। अंडू रिडू याद रखना है भाई, एक्सेल में आपकी गलतियाँ माफ होती, लाइफ में तो होती नहीं है, पर एक्सेल में यहाँ पे माफ होती है, मतलब बेसिकली कंप्यूटर में अंडू रिडू होता ही है, शायद किसी को नहीं पता होगा इसलिए मैंने बताया। अगर ये डिलीट हो गया गलती से तो कंट्रोल जेड दबा दो, अंडू से ही आ जाएगा, राइट। सो अंडू आपको पता चला, रिडू आपको पता चला, शीट को रिनेम करना भी पता चला,
और शीट को डिलीट करना भी पता चलो। तो ये बोल रहेगा कि भाई जैसे आप शीट डिलीट करोगे इसमें कुछ भी लिखा है या कुछ भी चेंजेस किए वो परमानेंट डिलीट होंगे, ये अंडू नहीं होंगे। तो शीट को इस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं। तो बेसिकली शीट आप अनलिमिटेड चाहिए जितनी इंसर्ट कर सकते हैं, ये आपको क्लियर हो चुका है। रोज क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं, ये तो हमने देख लिया। अब थोड़ा सा सेल और फॉर्मूला के बारे में भी डिटेल में जानते हैं। अब जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने आपको बताया था कि ये सी कॉलम है और ये रो नंबर 5 है। जहाँ पे भी कॉलम और रो का इंटरसेक्शन हो रहा है उस पर्टिकुलर लोकेशन को हम सेल बोलते हैं। और इसका एड्रेस यहाँ पे दिखाई देता है, सी पाई। एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इसका एड्रेस है E7 और मैंने ऐसा सिलेक्ट किया तो इसे बोलते हैं रेंज ऑफ सेल। जब आप मल्टीपल सेल्स एक साथ सिलेक्ट करते हैं तो भैया अभी ये एक सेल पकड़ के नहीं चलेंगे ना भैया या बहन जी, जो भी है C4 ये सेल से हम शुरुआत करेंगे। शुरुआत यहाँ से होगी C4, ये आपकी हेड सेल है जो कि वाइट में रहेगी हमेशा। ओके, यहाँ पे हेड सेल है। अगर आपने ऐसा सिलेक्ट किया तो ये हेड सेल ऊपर दिखाई दे रही है, अगर आपने ऐसा सिलेक्ट किया तो हेड सेल यहाँ पे दिखाई दे रही, मतलब पहली सेल। सो B4 से हमने शुरुआत की और हमारा लास्ट सेल है F8 F कॉलम और 8 नंबर रो दिखाई दे रहा ना, तो ये है F8। तो इस पर्टिकुलर रेंज को क्या बोलेंगे हम, जो भी हम सिलेक्ट कर रहे हैं इसे इस तरह से बोलेंगे, ये B3 से अब ये है F9। तो हम यहाँ पे सपोज इसका इस तरह से रेंज लिखेंगे B3 टू F9, ये है। इस तरह से रेंज ऑफ सेल बोला जाता है, इसे इससे डिफाइन किया जाता है। सो रेंज ऑफ सेल किसे बोलते हैं, मैंने आपको बताया एक सिंगल सेल है तो उसका एड्रेस बार में दिखाई देगा, और रेंज ऑफ सेल जब सेलेक्ट करते हो तो ये पहला सेल ही दिखाता है एड्रेस बार में। दूसरी चीज, यहाँ पे जो फॉर्मूला बार है उसका क्या काम है। अब सेल में मैं कुछ भी कंटेंट लिखूं, मैंने यहाँ पे कुछ भी कंटेंट लिखा है, तो यहाँ पे कंटेंट जो मैं लिख रहा हूँ ना, जो भी नंबर्स वैल्यूज मैंने ऐड की बेसिकली, तो ये वैल्यूज यहाँ पे एज इट इज फॉर्मूला बार दिखाएगा, राइट। और मैंने यहाँ पे कर्सर रखा है और मैंने यहाँ पे बोला इज इक्वल टू, देखिए मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इज इक्वल टू फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे, इज इक्वल टू एवरी फॉर्मूला बिगिंस विद इज इक्वल टू साइन इन एक्सेल, तो बिगिंस विद इज इक्वल टू, तो रिमेंबर इज इक्वल टू दे दो। इस पर क्लिक करो, कीबोर्ड पे प्लस बटन दबा दिया, इस पर क्लिक किया, कीबोर्ड पे प्लस बटन दबा दिए, इस पर क्लिक किया, अब ये क्या आ रहा है C5 C4 C3। मैंने जैसे क्लिक किया वैसे वो सेल्स का एड्रेस ले रहा है, लेकिन जैसे मैं एंटर करूंगा उन सेल्स का टोटल ले रहा है, क्या बात है। और यहाँ पे टोटल है 122 और फॉर्मूला बार आपको बता रहा है, भैया टोटल नहीं बता रहा है फॉर्मूला बार, क्या बता रहा है देखिए, फॉर्मूला बार आपको बता रहा है C5 प्लस C4 प्लस C3, मतलब ये रिजल्ट कैसे आया है ये फॉर्मूला बार आपको बता रहा है। फॉर्मूला बार बता रहा है कि भाई ये जो रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे वो रिजल्ट बेसिकली इन तीनों सेल्स का, ये ऊपर के तीन सेल्स दिखाई दे रहे हैं ना, इन तीनों सेल्स का रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है ये फॉर्मूला बार। सो फॉर्मूला बार विल शोज द फॉर्मूला इफ देयर इज अ फॉर्मूला इन योर सेल, एंड इट विल शो कंटेंट इफ देयर इज अ कंटेंट इन योर सेल। जैसे ये कंटेंट है नॉर्मली तो कंटेंट दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा मेरा नाम ही लिख दिया सतीश, तो यहाँ पे सतीश है तो फॉर्मूला बार सतीश ही दिखाएगा, राइट एज इट इज। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला है तो फॉर्मूला बार यहाँ पे फॉर्मूला दिखाएगा, राइट। सो रिमेंबर, ये एक चीज याद रखनी, फॉर्मूला बार क्या काम का होता है, और फॉर्मूला बार बहुत काम का होता है। हमें कभी भी फॉर्मूला एडिट करना है, फॉर्मूला देखना है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। बड़े बड़े फॉर्मूला जब हम लिखते हैं वीलुकअप वगैरह आगे चलकर सीखने वाले, तो उस टाइम पे यहाँ पे हम हेड करेंगे कि भाई हाँ ये फॉर्मूला प्रॉपर हम लिख रहे कि नहीं, वहाँ पे दिखाई दे रहा है बार बार। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि भाई फॉर्मूला बार का काम क्या होता है, ये आपको यहाँ समझ में आया होगा। और एक चीज यहाँ पे याद रखनी कि जब भी आप टेक्स्ट लिखते हो तो वो लेफ्ट अलाइनमेंट में आएगा, और नंबर लिखते हो तो राइट अलाइनमेंट आएगा, क्योंकि एक्सेल ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है कि भाई ये नंबर है और ये टेक्स्ट है, और आप टेक्स्ट और नंबर को ऐड नहीं कर सकते, मतलब इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ये होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, और ये एरर बताएगा। तो ये एरर भी बताता है कि भाई आपका भाई आपने क्या कुछ तो गड़बड़ कर दी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये वैल्यू एरर बता रहा है। और यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप इसे इग्नोर वगैरह भी कर सकते हैं एरर को। फिलहाल मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे अगर आप नंबर भी टाइप करते हो दोबारा
तो ये एरर हट जाएगा और इसकी टोटल यहाँ पे ले लेगा एक्सेल, तो ये ऑटोमेटिक अपडेट होता है। तो बेसिक चीज़ें जो होती है ना वो आपको पता होनी चाहिए, इसलिए ये पहले फंडामेंटल है जिसमें आपको मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ सारी चीज़ें कि भाई क्या कैसे होता है, फॉर्मूला बार क्या होता है, ये बेसिकली नेम बॉक्स क्या होता है और बहुत सारी चीज़ें। अब यहाँ पे नीचे हम आएंगे तो यहाँ पे नीचे आपको एक रेडी बटन दिखाई दे रहा है, ये मैक्रो यहाँ पे रिकॉर्डिंग का बटन दिखाई दे रहा है जो आगे चलकर सीखेंगे। राइट साइड में यहाँ पे आपको कुछ ग्रिड वगैरह जूमिंग का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है, जूमिंग यहाँ से आप जूम कर सकते हैं, यहाँ से आप जूम आउट कर सकते हैं। सो जूम आउट जूम इन दोनों भी ऑप्शन से यहाँ पे दिए है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, नॉर्मल जूमिंग 100 रखना है, मैक्सिमम आप 400 तक लेके जा सकते हैं एक्सेल में नॉर्मली, याद रखो ये, और ये 100 है। जूमिंग आप कंट्रोल बटन दबा के कीबोर्ड के ऊपर माउस का स्क्रॉल बटन आगे की तरफ घुमाओ, जूम इन होगा, कंट्रोल बटन दबा के अपनी तरफ माउस का स्क्रॉल बटन घुमाओ, ये मैंने पहले भी बताया था। तो यहाँ पे जूम इन जूम आउट है। साथ में अगर यहाँ पे मैं कोई नंबर लिखता हूँ, ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने जो नंबर लिखा है इन तीनों सेल्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो इनकी कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाई देगी इस बार पे पर, ये स्टेटस बार है बेसिकली, याद रखिए। छोटा सा यहाँ पे बता रहे कि ये तीनों नंबर का एवरेज है 69, काउंट तीन नंबर है और टोटल है 208, राइट। यहाँ से आप इजीली किसी भी सिलेक्टेड नंबर की टोटल ले सकते हैं, फिर वो कितने भी नंबर हो, तीन क्या इधर 100 नंबर भी हो, कितने भी नंबर हो अलग अलग रेंज में, उन सभी की वो टोटल बताएगा। जैसे मैंने यहाँ पे ढेर सारे नंबर लिए और इनको सिलेक्ट किया तो जहाँ जहाँ नंबर है वो टोटल नंबर काउंट कितने हैं उनका एवरेज निकालेगा और उसकी टोटल भी, ज़रा जूम करने दो मुझे, और उसकी टोटल भी बताएगा, दिखाई दे रहा है आपको। सो इस तरह से ये चीज़ें होती है, स्टेटस बार यहाँ पे अवेलेबल रहता है और ये अलग अलग लेआउट है बेसिकली एक्सेल के लेआउट है। ये मैं क्लिक करूँगा तो ऐसे ये हम लोग प्रिंटिंग एक्सेल जो सेटिंग है उसी में देखेंगे। तो एक्सेल का और यू मुझे देना था कि भाई एक्सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें कैसी होती, शीट किसे कहा जाता है, वर्कबुक किसे कहते हैं, बेसिकली ये वर्कबुक है, और एक्सेल के अंदर रोज़ किसे कहते हैं, ये रोज़ है राइट, कितने सारे रोज़ है आपको पता है। यहाँ पे ये कॉलम्स है, यहाँ पे कॉलम्स आपको पता है, एक्सेल के अंदर के सारी चीज़ें मैंने बताई दी। तो यहाँ पे हमने ढेर सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन पार्ट में सीख लिए। अब एक्सेल की फाइल सेव करना है तो कैसे करना है, एक लास्ट ऑप्शन हम देखने वाले। यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट टाइप कर दिए, सपोज मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट टाइप कर दिए, सीरियल नंबर वगैरह है ऐसा कुछ लिखा है, और अब इस फाइल को सेव करना है। तो सेव करने के लिए आप कीबोर्ड पे ऊपर कंट्रोल एस बटन दबा दीजिए, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस बटन दबाते ही ये डायलॉग बॉक्स आता है, वो पूछ रहा है कि आपको सेव कहाँ पे करना है। तो आप यहाँ पे जो रिसेंट यूज़ फोल्डर है उन्हें ले सकते हैं या फिर आप ब्राउज में जाकर अपना कोई एक फोल्डर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई मुझे डी ड्राइव में सेव करना है, नहीं भाई मुझे डेस्कटॉप पे जाना है, डेस्कटॉप पे सेव करना है, चलो डेस्कटॉप पे कर लेते हैं। और यहाँ पे फाइल का नाम देना है, लुक एट देयर, फाइल का नाम देना है कि भाई इसमें मैं डेटा एंट्री कर रहा हूँ तो डेटा एंट्री, इंपॉर्टेंट डेटा एंट्री, कुछ भी फाइल का नाम दे दो। यहाँ पे आपका वर्कबुक एक्सटेंशन रहेगा, एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन होता है .xls, याद रखिए .xls, एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन। तो ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है एक्सेल से रिलेटेड या इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है कि एक्सेल की फाइल .xls होती है। और मैं इसे सेव करता हूँ, अगर मैं इसे सेव करता हूँ इस फाइल को और मैं यहाँ से इसे क्लोज करता हूँ अभी, तो ये सेव है डेस्कटॉप के ऊपर, आपकी डेटा एंट्री ये देखिए ऊपर आ चुका है, डेटा एंट्री .xls। तो ये एक्सेल की फाइल है, एक्सटेंशन हर एक सॉफ्टवेयर का होता है उस फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए। आप किसी को भी इंटरनेट पे फाइल भेजते हो तो एक्सटेंशन से पता कर सकते हैं भाई हाँ .xls मतलब मुझे एक्सेल इंस्टॉल रहना चाहिए इस फाइल को ओपन करने के लिए मेरे पास, राइट। तो .xls वैसे वर्ड का होता है, .docx पावर पॉइंट का होता है, .pptx, तो ऐसे एक्सटेंशन याद रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो फिलहाल इंट्रो पार्ट में आपको फाइल सेव करना भी मैंने बता दिया, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने ओवरऑल क्लियर कर दी है कि भाई एक्सेल के अंदर काम करते समय आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी हैं। अब कुछ शॉर्टकट कीज़ यहाँ पे याद रखना है, एक्सेल को मुझे बंद करना है, यहाँ पे देखिए एक्सेल चालू है मेरी फाइल, मैं कंट्रोल W अगर प्रेस करता हूँ
तो एक्सेल बंद नहीं होगा, लेकिन एक्सेल का जो वर्कबुक मैंने ओपन करके रखा था ना, मेरा वर्कबुक जो मैंने डेटा एंट्री फाइल ओपन की थी, वो बंद है लेकिन एक्सेल चालू है। तो अगर मुझे मेरा वर्कबुक फिर से ओपन करना है तो कीबोर्ड पे कंट्रोल ओ बटन दबा दो। ओ बटन दबाते ही ओपन आ रहा है, और ओपन में वो बोल रहा है कि आपका वर्कबुक ये देखिए टुडे, आज ओपन किया ना मैंने, रिसेंट यूज़ में दिख रहा है मेरे को, राइट। तो मैं यहाँ पे डेटा एंट्री पे क्लिक करूँगा और इसे ओपन करूँगा, या फिर यहाँ पे मेरा वर्कबुक है ही नहीं तो मैं ब्राउज में जाऊँगा और ढूंढूंगा कि भाई मेरा वर्कबुक कौन से फोल्डर में, डेस्कटॉप पे, डाउनलोड्स में, जहाँ पे भी है वहाँ पे जाकर मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। जैसे मैंने डेस्कटॉप पे सिलेक्ट किया, ओपन किया, ये ओपन हो गया। सो कंट्रोल डब्ल्यू क्लोज, कंट्रोल ओ ओपन, यहाँ पे याद रखना है। और आपको लगता है कि यार नहीं, मुझे कंट्रोल डब्ल्यू वगैरह नहीं करना है, चलो अपने ओपन तो कर लिया, यहाँ पे कंट्रोल ओ ओपन कर लिया, लेकिन मुझे डायरेक्टली ये सॉफ्टवेयर ही बंद करना है, मुझे ये फाइल क्लोज नहीं करनी बस। तो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर बंद करने के लिए अल्ट F4 दबा देना कीबोर्ड के ऊपर, राइट। कंट्रोल डब्ल्यू से बस वो फाइल क्लोज होती थी, अल्ट F4 से पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, राइट। राइट कॉर्नर पे आप क्लोज पे क्लिक करके भी क्लोज होता है, लेकिन ये एक मैंने आइडिया दिया। सो आपको फाइनली पता चला है कि एक्सेल स्टार्ट कैसे करते, बंद कैसे करते, फाइल ओपन कैसे करते, फाइल सेव कैसे करते, और एक्सेल का इंटरफेस मैंने बता दिया है। कुछ भी चीज़ें ऐसा लगता है कि नहीं समझा तो आप थोड़ा सा रिवाइज करो, वीडियो है ना भाई, तो आप जितनी बार चाहिए उतनी बार रिवाइज करो। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हम सीखते जा रहे, नेक्स्ट पार्ट में अभी हम कुछ और एडवांस देखने वाले। दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।